जय मां काली, जय मां दुर्गा। भारत माता की, भारत माता की। आज देश में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और अब तक की जो खबरें आ रही हैं, सुबह से ही लोग उत्साह उमंग के साथ लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। अपने अपने मोहल्ले से गाजे बाजे के साथ भारत माता की जय बोलते बोलते सब लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं। जो लोग मतदान के लिए उत्साह से निकल पड़े हैं, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। लोग साथियों, बंगाल में लोकतंत्र के इस पर्व का एक अलग ही उत्साह दिखता है। मैंने हेलीपैड पर भी देखा, जितने लोग यहां हैं, हेलीपैड से यहां रास्ते भर उतने ही लोग आशीर्वाद दे रहे थे। आज देश में जहां जहां मतदान हो रहा है, सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि वोट डालना ये लोकतंत्र को मजबूती देने का काम है और इसलिए हम सभी देशवासियों ने देश के लिए वोट जरूर करना चाहिए। साथियों, आज आप इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, मुझे विश्वास है पहले चरण में टीएमसी कांग्रेस जैसे जो दल जो फर्स्ट राउंड हुआ ना, पहले चरण में जो दल पस्त हो गए थे, अब आज दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए मालदा में भी हर तरफ यही गूंज है, फिर एक बार। साथियों, एक समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था, चाहे सामाजिक सुधार हो तो बंगाल का नेतृत्व, वैज्ञानिक प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, फिलोसॉफी की प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, अध्यात्म में प्रगति हो बंगाल का नेतृत्व, देश के लिए बलिदान देना हो बंगाल का नेतृत्व, यानी जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं था जिसका नेतृत्व हमारे बंगाल ने न किया हो। लेकिन पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने, उनके शासन ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को
चूर चूर कर दिया, विकास को रोक लगा दी। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम, शारदा चिटफंड स्कैम, रोज वैली चिटफंड स्कैम, पशु तस्करी घोटाला, नगर पालिकाएं नियुक्ति घोटाला, राशन घोटाले, कोयला तस्करी घोटाला, घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान ये बंगाल के जनता को पड़ता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बंगाल में बिना कट कमीशन के होता हो। यहां तक कि इन्होंने किसानों तक को नहीं छोड़ा, हमारे किसान भाई मंडी में एक क्विंटल गेहूं बेचने जाते हैं तो इसका एक बड़ा हिस्सा बिचौलिए खा जाते हैं। साथियों, टीएमसी ने यहां युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया है। इन्होंने इतना बड़ा शिक्षा घोटाला किया, 26,000 परिवारों की रोजी रोटी ठप हो गई और कर्ज लेकर के पैसे ला करके जो टीएमसी वालों को दिए थे वो बोझ भी इन हमारे गरीब बंधु बहन के सर पे मढ़ गया। जबकि बीजेपी सरकार है जो केंद्र सरकार में पूरी पारदर्शिता से युवाओं को नौकरी दे रही है। हमने मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया अभियान, कौशल विकास अभियान से युवाओं का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए काम किया है। बीजेपी सरकार की नीतियों से देश में नए नए सेक्टर्स बन रहे हैं जहां युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। लेकिन बंगाल में टीएमसी ने युवाओं के विकास के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। साथियों, बंगाल रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष, गुरुदेव टैगोर, डॉक्टर मुखर्जी की धरती है। मैं अपने बंगाल को ऐसे ही पिछड़ते हुए नहीं देख सकता। टीएमसी जैसी भ्रष्ट पार्टी के बावजूद केंद्र की बीजेपी सरकार बंगाल के विकास के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। भाजपा सरकार की योजना की वजह से आपको मुफ्त राशन मिल रहा है। साथियों, ये आपका उत्साह, ये आपका प्रेम मेरे सर आंखों पर। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में
मैं बंगाल में पैदा हुआ था, या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। शायद इतना प्यार कभी नसीब नहीं होता भाई। दोस्तों, लोग दूर दूर तक धूप में खड़े हैं, मैदान छोटा पड़ गया, हमारी व्यवस्था छोटी पड़ गई, आपको तकलीफ हो रही है, जो धूप में तप रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है। ये जो आपको तकलीफ हो रही है ना, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन जो धूप में तप रहे हैं उनको मैं कहता हूं, आपकी ये तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। आप जो ये ताप में तप रहे हैं, मैं विकास करके आपके इस प्यार को लौटाऊंगा। अब मेरी प्रार्थना है, अगर आप शांति से सुनोगे तो मैं दो चार बातें आपको बता सकता हूं। बताऊं? आप इजाजत दें तो बताऊं, क्योंकि आपका उत्साह इतना है कि पीछे सुनना ही मुश्किल हो रहा है। तो बताऊं मैं? आप शांत रहेंगे पक्का? बंगाल के 50 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 8000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के भेजे गए हैं। लेकिन टीएमसी सरकार को देखिए, वो आपको लूटने का कोई मौका छोड़ती नहीं है। मैं केंद्र से बंगाल के विकास के लिए यहां की सरकार को जो पैसा भेजता हूं, वो टीएमसी के नेता, मंत्री, तोलाबाज मिलकर खा जाते हैं। जो योजनाएं मैं सीधे लागू करने की कोशिश करता हूं, उसे भी टीएमसी सरकार रोक देती है। इन्होंने बंगाल के लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज देने वाली हमारी आयुष्मान योजना को रोक रखा है। अभी भाजपा ने हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का ऐलान किया है, लेकिन बंगाल के बुजुर्गों को इस योजना का लाभ भी ये टीएमसी वाले नहीं लेने देंगे। टीएमसी सरकार उसको लागू नहीं होने देगी। टीएमसी को आपकी चिंता से, आपकी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। वे चाहते हैं कि बंगाल में वंदे भारत ट्रेनें भी ठप हो जाए। हम कहते हैं कि हमारे मालदा के किसानों का आम और मालदा के किसानों का मखाना पूरी दुनिया में फेमस है, उनकी आमदनी बढ़े, उन्हें ज्यादा पैसा मिले, इसके लिए यहां फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे। टीएमसी कहती है उसमें हमें हमारा कट मिलना चाहिए। साथियों, मां माटी मानुष की बात कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से किया है। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया,
तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। यहां मालदा में भी महिला के साथ शर्मसार करने वाली घटना घटी, लेकिन टीएमसी सरकार चुप रही, जबकि बीजेपी सरकार महिलाओं की मान मर्यादा इज्जत के लिए काम कर रही है। बीजेपी सरकार ने बंगाल में 80 लाख से ज्यादा शौचालय बनाकर दिए हैं, जिसका सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को हुआ है। बंगाल की करीब 1.25 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला है। यहां पीएम आवास के जो हजारों घर दिए गए, उनमें से ज्यादा घर महिलाओं के ही नाम है। पहली बार अब उनके नाम कोई संपत्ति हुई है। हमारी सरकार बहनों बेटियों के लिए हर स्तर पर नए अवसर बना रही है, उन्हें सशक्त कर रही है। साथियों, टीएमसी और कांग्रेस यहां आपस में झगड़े का दिखावा जरूर करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के विचार और आचार व्यवहार एक जैसा है। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। इंडी गठबंधन कहते हैं कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर बहाल करेंगे। टीएमसी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो सीएए कानून को रद्द कर देंगे। आप मुझे बताइए, बंटवारे से पैदा हुए देशों में जहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, जहां उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके आस्था स्थलों, मंदिरों, गुरुद्वारा, चर्च ध्वस्त कर दिए जाते हैं, जिनकी बहन बेटियों का जबरन शादी करके उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है, आखिर वो कहां जाएंगे? इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे दलित भाई बहन है। तुष्टीकरण के लिए टीएमसी कांग्रेस इन्हें भी ठुकरा देना चाहती है। सीए नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है, लेकिन फिर भी टीएमसी लगातार झूठ बोलकर अफवाह फैला रही है। यही इन लोगों की सोच है। साथियों, मैं आपको इंडी गठबंधन के एक और खतरनाक इरादे के बारे में बताना चाहता हूं। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ एक खतरनाक कानून बनाकर लेकर आने चाहते हैं। इस कानून में महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासी महिलाओं के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ये कांग्रेस वालों ने ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से आई एक्सरे मशीन लाए हैं। वो पूरे देश में सबका एक्सरे कर देंगे। कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन मजा देखिए, टीएमसी वाले भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। टीएमसी वाले चुपचाप कांग्रेस के इस एजेंडा को मौन रह करके समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए, टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कैसा कंपटीशन चल रहा है। टीएमसी सरकार
बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। इन घुसपैठियों को आपकी जमीन खेत पर कब्जा करवाती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। साथियों, कांग्रेस तो आपके नहीं रहने के बाद आपकी संपत्ति पर भी 55% टैक्स लगाने की योजना बना रही है, यानी आपके जीवन भर की कमाई आपके बाद आपके बेटे बेटियों को नहीं मिलेगी। उसमें से आधे से ज्यादा कांग्रेस सरकार जब्त कर लेगी और संपत्ति जाएगी कहां? कांग्रेस के वोट बैंक के पास। कांग्रेस के फॉर्मूलों को जानने के बाद पूरा देश कह रहा है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेसेर लूट बेंचे थाकार समयो मोरे जाबार पड़े हो। साथियों, कांग्रेस पार्टी SC ST और OBC के आरक्षण पर भी बड़ा डाका डालने की तैयारी कर रही है। कर्नाटका में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस काफी पहले OBC के आरक्षण में सारे मुस्लिमों को हिस्सेदारी दे चुकी है, यानी संविधान के जो हक SC ST OBC के लिए सुरक्षित है उसे ये लोग धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अब कर्नाटका मॉडल कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है, क्या आप इस साजिश को कामयाब होने देंगे? साथियों, आपका एक वोट विकसित भारत विकसित बंगाल के सपने को पूरा करेगा। मालदा उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी और लोकसभा में मेरे बहुत अच्छे साथी श्रीमान खगेन मुर्मू जी और मालदा दक्षिण से श्री रूपा मित्रा चौधरी जी, जिसको आप निर्भया दीदी के नाम से जानते हैं। ये हमारी निर्भया दीदी और हमारे मुर्मू जी, 7 मई को इनको आपका एक एक वोट जो देंगे ना, ये आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मेरा अनुरोध है यहां से जाकर के हर परिवार में जाकर के कहना, मोदी जी ने आपको जय श्री राम भी कहा है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।